हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आज फिर से आपकी जो है रिजर्वेशन की सुनवाई है, और क्या अपडेट निकल के सामने आएगा वो बहुत जल्दी मालूम ही पड़ जाएगा। हालांकि दोस्तों, अपडेट तो यही निकल के हर बार आया है कि डेट जो है वो अपडेट हो जाती है, और आज यही प्रार्थना है गॉड से कि डेट अपडेट ना हो, कुछ ना कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर हाई कोर्ट जो है दिशा निर्देश जारी कर दें, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग की संभावना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, साथ में आपको जो मालूम है कि गैर विवादित सीटों पर भी याचिका लगाई गई है, जिसे संज्ञान में ले लिया गया है, और कल मैं उस पर अपडेट लेकर आया था। जो हमारे श्री पांडे सर जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जबलपुर में ही हैं, और आज या फ्राइडे तक जो हमारा है केस लिस्टेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है उस पर सुनवाई चलेगी, और प्रबल संभावना है कि सुनवाई का जो निर्णय होगा वो उन भाई बहनों के पक्ष में होगा जो कि गैर विवादित सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर गैर विवादित सीटों का यदि आप परसेंटेज देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, और पूरी भर्ती रोक देना और निर्णय उस हिसाब से ना आना जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुका है, क्योंकि सपने अपने संजोए थे और ये देखा था कि हम टीचिंग फील्ड में आ जाएंगे, मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक तो फाइनेंशली हमारी जो कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी, और साथ में हम जो बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर थोड़ा भी इंसान कमाता है तो वो कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अपने बच्चों को नहीं भेजता है, वो प्राइवेट में भेजता है। यहाँ पर एक बहन है, वो काम करने आती है, मीन्स कपड़े धोने आती हैं पास के मकान में, तो उनका भी जो लड़का है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है प्राइवेट में, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में खाना मिलता है और ड्रेस मिलती है, सब फ्री मिलता है, एजुकेशन भी फ्री मिलती है सभी के लिए, और वहाँ पर ना भेज के, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी वहाँ पर ना भेज कर प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। तो जो बिल्कुल भी नहीं कमाता है, जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो ही मजबूरी के चलते अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भेजता है, और उन्हीं लोगों का आप भला कर सकते हो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कमाता है, जो अमीर है, वो कहीं ना कहीं से डील करके कैसी न कैसी अपना काम चला ही लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उन्हें आप जैसे शिक्षक मिलने ही चाहिए, उनके सपने भी पूरे होने चाहिए, यदि उनमें टैलेंट है तो टैलेंट के दम पे इस भारतवर्ष में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो आप ही कर सकते हो। तो देखते हैं कि आज क्या अपडेट निकल के आता है दोस्तों, और आई होप कि जो अपडेट है वो पॉजिटिव ही निकल के आए, सभी के हित में निकल के आए, जिससे कि आपकी भर्ती हो जाए। उपचुनाव आने वाले हैं, सब तैयार रहें, एक ही मांग, जल्द जल्द नियुक्ति हो जाए। आपका एक ही वर्ग होना चाहिए, शिक्षक वर्ग, चयनित शिक्षकों की एक ही मांग होनी चाहिए, नियुक्ति, और ये मांग गवर्नमेंट से ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ही नियुक्ति देनी है। तो ये आज का थोड़ा सा अपडेट था दोस्तों, कुछ और अपडेट आएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।